हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे दोस्तों। तो जी दोस्तों, आज हम जा रहे हैं वृंदावन, और बिहारी जी की कृपा है, सब कान्हा जी की कृपा है, बुलावा आया है और वृंदावन का, तो वृंदावन जा रहे हैं आज। और बैग वगैरह मैंने पैक कर लिए हैं सब, बस अभी निकलने वाले हैं। और सुबह के बजे हुए हैं 8 इस समय, तो सुबह 5:30 बजे से जगे हुए हैं, लेकिन नहाने धोने में इतना टाइम लग गया है। और चाय वगैरह पी के तैयार हैं बिल्कुल, और सारा सामान तैयार है, बस निकल रहे हैं वृंदावन के लिए। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से आगे। तो जी दोस्तों, रास्ते में दिखा एक रेस्टोरेंट और हम यहाँ पर रुक गए थे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि सुबह हमने केवल चाय पी थी, तो हम सोच रहे थे कि कुछ नाश्ता कर लेते हैं, बच्चों को भूख लगी थी। और यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर था, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ दोस्तों। और यहाँ पर हमने मंगवाए थे छोले भटूरे, क्योंकि छोले भटूरे तो सबके फेवरेट होते हैं, और हमारे तो ऑल टाइम फेवरेट हैं छोले भटूरे, तो इसलिए हमने खाने में मंगाए एक एक प्लेट छोले भटूरे, क्योंकि अगर हम सब अलग अलग लेते तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते छोले भटूरे, तो इसलिए हमने केवल छोले भटूरे लिए थे। और काफ़ी टेस्टी छोले भटूरे थे, बहुत ही टेस्टी, मतलब कि एकदम दिल्ली वाला स्वाद आ रहा था छोले भटूरों में, काफ़ी स्वाद छोले भटूरे थे। तो हमने बहुत अच्छे से अपने छोले भटूरे इंजॉय किए दोस्तों, आप भी इंजॉय कीजिए। तो जी फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं बरसाना, और क्योंकि बांके बिहारी जी के मंदिर की जो टाइमिंग है ना, वो सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक है, तो इसलिए मंदिर तो अभी बंद है, और शाम को 4 बजे खुलेगा मंदिर। तो इसलिए अब हम जा रहे हैं बरसाना। बरसाना जाने में कम से कम 1 घंटे का टाइम लगेगा। तो पहले बरसाने में राधा श्री राधा जी के मंदिर जाएंगे, लाडली जी के मंदिर। तो बोलिए सब राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो जी फ्रेंड्स, हम आ गए हैं बरसाना और लाडली जी के मंदिर। ये देखिए लाडली जी का मंदिर ऊपर लिखा हुआ है, और इस समय जो मंदिर है वो बंद है, क्योंकि मंदिर की टाइमिंग है 4:30 बजे। 4:30 बजे मंदिर खुलेगा, उसके बाद सभी लोग दर्शन करेंगे। तो कम से कम 154 सीढ़ी चढ़ के आए हैं लाडली जी के मंदिर दर्शन करने के लिए, और क्योंकि कल है हमारी मैरिज एनिवर्सरी, तो आज लेने आए हैं आशीर्वाद राधा रानी से, और उसके बाद जाएंगे बांके बिहारी जी मंदिर। और सामने देखिए, ये पूरा बरसाना गांव है सारा। ये पूरा बरसाना गांव दिखाऊंगी, सामने सारा बरसाना गांव है, और यहां पे सीढ़ी पे हम सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे बैठे हुए हैं, यहां से पूरा गांव नज़र आ रहा है। प्रसाद ले लिया हमने, प्रसाद में माला ली है, और मिश्री और मूँगफली का प्रसाद दिया है। Thank you.
तो जी दोस्तों, वृंदावन से हम सीधे बरसाना आ गए थे, क्योंकि हम वृंदावन पहुंचे थे 1:15 बजे और मंदिर सारे जो थे वो बंद हो चुके थे और मंदिरों के खुलने का समय था 4 बजे। तो यहाँ पर आकर पता चला कि जो मंदिर है वो 5 बजे के करीब खुलेगा, कुछ लोग कह रहे थे 4:30 बजे, लेकिन क्योंकि मंदिर के जो पंडित जी थे वो चेंज हुए थे इसीलिए मंदिर में खुलने में थोड़ा समय लग रहा था। तो मंदिर खुला था 5:15 बजे के करीब और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी मंदिर में, फिर भी हमारे दर्शन अच्छे से हो गए। राधे राधे दोस्तों। तो जी दोस्तों, ये है लाली जी महाराज का मंदिर, ये है हमारी प्यारी राधा रानी जी का मंदिर। आप सभी लोग भी दर्शन कर लीजिए दोस्तों। तो जी दोस्तों, सब प्रेम से बोलिए राधे राधे। और राधा रानी जी बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, सब पर कृपा बनाए रखना राधा रानी, सबके कष्टों को दूर करना। तो जी दोस्तों, हम जा रहे हैं वृंदावन। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो मुरली वाले की जय। चलो बड़े मॉडिफाई हो गए डावे, हमने उधर से साइड तो गया था पिछली बार, और कम की यात्रा करें हैं उससे बात का फायदा था। हाँ, ये भी बात बढ़िया लगा था हमें। तो जी फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं बांके बिहारी मंदिर और यहाँ से 3.5 किलोमीटर बता रहे हैं, 20 रुपीज पर पर्सन ई रिक्शे में जा रहे हैं। और मंदिर 8:30 बजे तक खुलेगा खाली, और इस समय बज चुके हैं 7, और रोशनी थोड़ी सी कम आ रही है दोस्तों, देखिए थोड़ी सी आ रही है। पैदल है और 100 रुपये पार्किंग के दे के अपनी गाड़ी खड़ी करके आए हैं, दोस्तों यहाँ पे लाइट नहीं है बिल्कुल भी। लाइट है आपके फोन में, तो लाइट है, तू मार देना लाइट छोटी फोन से, थोड़ी मेरे मुंह पे लाइट मार, मेरा मुंह याद आ गया, मेरी क्या यादाश्त, मेरी यादाश्त। ओ वाओ, लाइट आ गई, देखो दोस्तों लाइट आ गई है, वो आंटी इतना खतरनाक हंस रही थी ना, रहना हमारा चेहरा आज हम लेट हो गए, नहीं तो हम सुबह ही दर्शन करते और ये लेट हुए इसकी वजह से, ये बड़े वाले बैठे ये बैठा कुछ हो रहा है मेरी वजह से लेट हुए, क्योंकि हम पहुँचे यहाँ पर 1:15 बजे, 1:30 बजे पहुँचे थे, हाँ 1:30 बजे पहुँचे थे, और उसके बाद फिर बरसाना चले गए, और बरसाने में राधा रानी का मंदिर खुला है 5 बजे, 5 बजे, और इतनी भीड़ की बहुत ज़्यादा, उसके बारे में मैं आपको घर जाके बताऊँगी। मेरा फोन छिन जाएगा यहाँ पे। मम्मी को हाथ से लेक भग जाएगा, ऐसे ले भग गया पता ही नहीं चलेगा। तो जी दोस्तों, पहुंच गए थे हम बांके बिहारी जी के मंदिर, और 7 बज रहे थे इसलिए जल्दी जल्दी जा रहे थे मंदिर में दर्शन करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी मंदिर में, लेकिन फिर भी हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे दोस्तों। प्रसाद में हमने पेड़े ले लिए थे बांके बिहारी जी के मंदिर के लिए, और माला ले ली थी, तो दर्शन तो काफ़ी अच्छे से हो गए थे, काफ़ी भीड़ थी लेकिन, और दर्शन करने के बाद बच्चों को बहुत तेज़ भूख लगी, तो बच्चों ने खाए थे यहाँ पर अपनी अपनी पसंद का कुछ कुछ लिया था इन्होंने, रबड़ी वगैरह, रस मलाई वगैरह, मतलब कुछ काफ़ी सारी चीज़ें ली थी इन्होंने दोस्तों, टेस्ट कर रहे थे, और यहाँ खाने पीने की बहुत सारी शॉप हैं। क्या क्या खा रहे हो, क्या क्या खा रहे हो, ये क्या, ये मलाई पान, ये रबड़ी, ये मलाई पान, ये मटका रबड़ी, मटका रबड़ी, और ये क्या, रबड़ी गरम अभी अभी बनी है। तो जी दोस्तों, बांके बिहारी जी के मंदिर की वीडियो नहीं बनाई मैंने, क्योंकि दर्शन में हम इतना खो गए थे कि वीडियो वगैरह मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो जी दोस्तों, वृंदावन आओ और कुछ खाओ ना, ये तो हो नहीं सकता। वृंदावन की कचौड़ी, लस्सी और चाट इतनी मशहूर है ना दोस्तों की, बहुत ज़्यादा। तो जी दोस्तों, हम आ गए थे एक शॉप पर, और इस शॉप का नाम था मुकेश चाट वाले। तो इनकी चाट जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, ये शॉप बहुत फेमस है अपनी चाट के लिए। यहाँ पर हमने ली थी लस्सी और खाई थी टिक्की, छोले वाली जो टिक्की होती है। और दोस्तों, फिर हम चल दिए थे अपने आगे की तरफ, और बच्चों ने काफ़ी कुछ खाया था।
अभी हम आए प्रेम मंदिर और इतनी भगदड़ में आए ना बहुत ज्यादा और सब 8 बजे आए ठीक है। आपका रुमाल कह रहे हैं 8:30 तक ओपन है लेकिन अभी एंट्री तो हो ही गई है। हम गुम हो गए मम्मी। हम भी आए भाई। तो देखिए फ्रेंड्स रात के बजे हुए हैं 1:15 और आज हमारी एनिवर्सरी है 6 दिसंबर और अभी हम वहां से आ रहे हैं वृंदावन से आ रहे हैं ठीक है। और यहां पर छोटू सा एक केक लिया है इसकी केक कटिंग कर रहे हैं ठीक है। तो ऐसे ही है दो हां ठीक है। कैंडल हमें मिली नहीं तो इसलिए यहां पर केक काट रहे हैं दोस्तों आ जाओ। हैप्पी एनिवर्सरी पापा। ताली बजाए ताली बजाने की आवाज आती है। ओए कुत्ता का। अरे पीछे से भी आ गया। बहुत टेस्टी है। हेलो चलो तुम लोग ये बंधन तो प्यार का बंधन है जन्मों का संगम है।